Hi students, today we will discuss about the factor that caused first world war, यानी कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसके लिए कौन से कारण जिम्मेदार है, which factors are responsible for the first world war, उसके बारे में discussion करेंगे. The first world war could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable events of the modern world. आज की मॉडर्न वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसको हम हार्ट ब्रेकिंग और अनफॉरगेटेबल, यानी कि अनफॉरगेटेबल मीन्स जो चीज़ को हम भूल नहीं सकते हैं, हार्ट ब्रेकिंग मीन्स हार्ट टच, वो इवेंट को जैसे गिना जाएगा. मैनी फैक्टर्स वर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, एक दो कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन ऑन 1 अगस्त 1914. स्टूडेंट्स take a notebook and mention the date that First World War was begin on 1 अगस्त 1914. 1 अगस्त को पहला विश्व युद्ध हुआ था. Germany had defeated France in the Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty 1871. Germany had defeated France. Germany ने फ्रांस को डिफीट यानी कि हराया था, कौन सा युद्ध में, सीडन वॉर में. बिकॉज ऑफ विच फ्रांस हैड टू साइन द फ्रांक ट्रीटी इन 1871, उनके बीच जो संधि हुआ था ट्रीटी 1871 में, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके हिसाब से फ्रांस हैड टू पे ए वार फाइन, फ्रांस को एक युद्ध का फाइन देना पड़ेगा, एज वेल एज गिव अवे टू ऑफ इट्स प्रोविंसेस, यानी कि फ्रांस को युद्ध का फाइन टैक्स भी देना पड़ेगा और उसका टू प्रोविंसेस, दो प्रोविंसेस उनको देना पड़ेगा, लॉरेंस एंड एलिस टू जर्मनी. लॉरेंस एंड एलिस जो टू प्रोविंसेस है वो जर्मनी को देना पड़ेगा. फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलेशन. फ्रांस ये जो वार फाइन और जो प्रोविंसेस देने का था उसको वो चीज इतनी जल्दी इतनी आसानी से उसको ये चीज समझ में नहीं आया था. Thus the Frank Treaty itself was the cause of the First World War. और ये जो पहला रीजन है, दो प्रोविंसेस और वार फाइन फ्रांस को देना था, तो ये पहला रीजन है अपना, फर्स्ट जर्मनी को देना था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पहला रीजन है. द एंड ऑफ ए वार सोर द सेट्स ऑफ अ फ्यूचर वार. ये एक वार जो हुआ था उसके रीजन के हिसाब से फ्यूचर वार, जो भविष्य के वार हुए थे वो भी स्टार्ट हुआ था. इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि आर्थिक कारण. इंग्लैंड हैड एस्टैब्लिश इट्स वास्ट एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका इन द 19th century. आपको पहले वाला लेसन, इसके पहले वाले पीरियड में कैसे हमने आपको बताया था कि हाउ द इंग्लैंड इज ट्राइंग टू एक्सपेंस देयर प्रोविजंस फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स. तो 19th century तक इंग्लैंड हैड एस्टैब्लिश ए वास्ट एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका. 19th century तक एशिया और अफ्रीका में बहुत सारे प्लेस, बहुत सारे प्रोविंसेस इंग्लैंड ऑक्यूपाई कर लिया था. इट एक्सप्लॉइटेड इट्स कॉलोनी इकोनॉमिकली एंड बिकम रिच. और लेके उसके पास बहुत सारे कॉलोनीज भी हो गए थे और बहुत रिच हो गया था वो. ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कॉलोनाइजेशन यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन के लिए यूरोप को बहुत सारे कच्चा माल चाहिए था, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल. इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th century यानी कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th century के एंड में जर्मनी हैड स्टार्टेड कॉम्पिटिशन टू प्रोड्यूस द मार्केट इन एशिया एंड अफ्रीका. इसका पहले इंग्लैंड की थी, लेकिन 19th century की एंड तक जर्मनी हैड स्टार्टेड द कॉम्पिटिशन. जर्मनी ने कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया था किसके साथ, इंग्लैंड के मार्केट के साथ, टू प्रोड्यूस द मार्केट इन एशिया एंड अफ्रीका. एशिया और अफ्रीका में भी जर्मनी अपना मार्केट लेना चाहता था. जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस. तो स्टूडेंट्स, ये जर्मनी ने क्या किया,
उन्होंने एक पॉलिटिक्स किया कि इंग्लैंड और फ्रांस के जो रॉ मटेरियल लेके जो जितने भी गुड्स जितने भी सामान सब मिलते थे जितने महंगे मिल रहे थे, जर्मनी हैड स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस, उनसे सस्ते में और उनसे अच्छे में ये चीज अपने जर्मनी लोगों को देने लगा। द एफ्रो एशियन मार्केट दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड, और जब एक चीज सस्ते में मिलता है वही चीज महंगा में मिलता है तो हर कोई सस्ता में लेगा। हम लोग भी देखिए, एक पेन आपको अच्छी पेन अगर 5 रुपए में मिलता है आप वही पेन 7 रुपए में क्यों खरीदेंगे, व्हाई वी विल परचेज। सिमिलरली थिंग हैपेंड, वही चीज ही हुआ, जर्मनी से जो चीज अच्छी चीज मिलता था कम पैसे में उस चीज को महंगे पैसे से इंग्लैंड और फ्रांस से क्यों लेंगे, तो इसके लिए इंग्लैंड के मार्केट और फ्रांस के जो था वो डोमिनेटेड हुआ। ब्रोकन ऑफ जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, देर वॉज ए इंटेंस ऑफ इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड। फिर ये जो मार्केट को गुड्स लेके चीपर रेट में जर्मनी देता था और हाई रेट में इंग्लैंड देता था, तो ये जो मार्केट की इकोनॉमिक्स थी बहुत बढ़ गई थी जर्मनी और इंग्लैंड के बीच। अंडरस्टैंड। सेकंड, मिलिटरिज्म, मिलिटरी फोर्स वाज नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन दैट द यूरोपियन नेशंस गॉन्ट इनटू एक्सपेंशन। मिलिटरी फोर्स वाज नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट, कोई भी रीजन में जाओ मिलिटरी इज हाईली एसेंशियल, उनकी जरूरत थी क्योंकि उसके बिना आप एक्सपेंस कैसे करेंगे, एक्सपेंड कैसे करेंगे आपके प्रोविंसेस। फॉर द कॉम्पिटिशन ऑफ यूरोपियन नेशंस गॉट एक्सपेंशन, इंग्लैंड फ्रांस ऑस्ट्रिया रशिया इटीसी हैड बिगन एक्सपेंडिंग देयर मिलिट्री पावर। इंग्लैंड फ्रांस ऑस्ट्रिया और रशिया ये जो चार अपना प्रोविंसेस लेते थे अपने ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, वो अपनी प्रोविंसेस बढ़ा रहे थे, वो लोग उस प्रोविंसेस को बढ़ाने के लिए मिलिट्री चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड फ्रांस ऑस्ट्रिया रशिया अपने मिलिट्री पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाए। व्हाइल इन कंट्रीज लाइक जापान इटली एंड जर्मनी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग हैड स्टार्टेड, इन्होंने मिलिट्री पावर बढ़ाया, जबकि जापान इटली और जर्मनी ये जो तीन कंट्री थे उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपल्सरी कर दिया, बाध्यतामूलक करना है तो कंपल्सरी लेना ही है आपको। प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वाज इंक्रीज, वेपन्स यानी के अस्त्र शस्त्र, बंदूक गोला बारूद बम ये सब भी बढ़ाने लगे दोनों, इंग्लैंड फ्रांस ऑस्ट्रिया रशिया एंड अदर साइड जापान इटली एंड जर्मनी। थॉस मिलिटरिज्म गॉट एंड इम्पुट्स एंड मिलिटरी कॉम्पिटिशन एडेड टू इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन क्रिएटेड ए सीरियस एटमोस्फेयर ऑफ वॉर। दोनों ग्रुप, ए ग्रुप में आपकी इंग्लैंड फ्रांस ऑस्ट्रिया रशिया, सेकेंड ग्रुप में आपकी जापान इटली एंड जर्मनी, दोनों ग्रुप में दोनों अपना क्या किया, मिलिट्री पावर बढ़ाने लगे। जब मिलिट्री पावर बढ़ाते हैं तो इसका इकोनॉमिक्स उसका आर्थिक इफेक्ट किसके ऊपर गिरता है, पब्लिक के ऊपर ही गिरता है, तो उसमें टैक्सेस ज्यादा लेते हैं। तो थॉस मिलिट्री गॉट एन इम्पुट्स मिलिट्री कॉम्पिटिशन एटेड इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन, फिर उस चीज को लेकर इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ था जो क्रिएटेड ए सीरियस एटमोस्फेयर ऑफ वॉर, जो कि युद्ध का एक दूसरा कारण हो सकता है। हुआ था ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज, ग्रुपिज्म यानी कि ग्रुप बनाना और जो ट्रीटीज संधि था, ग्रुपिज्म हैड अ सीक्रेट ट्रीटीज प्लेड ए मेजर नोट रोल इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज जो संधि था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए एक मेजर कारण बना हुआ था। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप्स बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पूरा विश्व दो टुकड़े में डिवाइड हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले। ऑन वन साइड वॉज द ग्रुप ऑफ जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगेरी बल्गेरिया एंड तुर्की, फर्स्ट ग्रुप में जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगेरी बल्गेरिया एंड तुर्की, जबकि दूसरी साइड में वाइल्ड ऑन द अदर साइड वॉज द ग्रुप ऑफ इंग्लैंड फ्रांस रशिया एंड जापान। ए ग्रुप में आपके जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगेरी एंड बल्गेरिया एंड तुर्की थे,
तो सेकेंड ग्रुप में कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान, ये चार थे। ए फीलिंग ऑफ जेलियसी, हिंसात्मक, एनमिटी, मिसट्रस्ट, विश्वसनीय, फियर, डर एंड हेटेड एवर बिटवीन द ग्रुप्स विच इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो पूरा वर्ल्ड को दो टुकड़ा हो गया और उसके अंदर अल्टीमेटली जब दो टुकड़ा हो जाता था, एक दूसरे से जेलोसिनेस, एनमिटी, मिसट्रस्ट, फियर, हेटेड, वे सब मतलब स्टार्ट हो गया था, वो भी एक मेन रीजन है आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। फीलिंग ऑफ फेरस नेशनलिज्म, द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली वेर द रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म। इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस और यूनिफिकेशन जो होता है जर्मनी इटली इज द रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म, बट लेटर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टूक एन एक्सट्रीम एंड नैरो फ्रॉम इन यूरोप। यूरोप में भी आपकी नेशनलिज्म जो वो भी स्टार्ट हुई थी। Economics jealousies, competition and colonialism in Europe had increased so much that the national interest of each other began to clash. ये economics jealousiness, competition इतना बढ़ गया था कि उस हर कोई अपना नेशन के हिसाब से इंटरेस्ट लेकर, अपना नेशनलिज्म का सब इंटरेस्ट लेकर वो क्लास होने लगा था। Leading European nations began teaching extreme and destructive nationalism to its people. लीडिंग यूरोपियन नेशंस, जो यूरोपियन नेशंस के लीडिंग थे, टीचिंग एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म टू द पीपल। वो अपने जितने भी नागरिक थे उनको अपना नेशनलिज्म और डिस्ट्रक्टिव के बारे में पूरा माइंड सेटअप कर दिए थे। लव फॉर ओन नेशन एंड हार्टेड फॉर द अदर नेशन वॉज एनकरेज। तो उसका कारण से क्या हुआ? लव फॉर ओन नेशन यानी कि अपने जो देश में रहते हैं उसी देश को ही मतलब अपने दिल में ना उसके अच्छे के बारे में सोचना, एंड हार्टेड फॉर द अदर नेशन और दूसरे जो देश थे उनको घृणा के दृष्टि से देखना, उनके लिए जेलोसिनस स्टार्ट करना, ये सब स्टार्ट हो गई थी। द जर्मन चीफ कैसर विलियम वाज द अदर ऑर्गेनाइजर ऑफ नेशनलिज्म एंड कॉलोनिज्म। द जर्मन चीफ कैसर विलियम वाज द अदर ऑर्गेनाइजर, वो चीफ कैसर विलियम जो थे वो अदर ऑर्गेनाइजर थे नेशनलिज्म और कॉलोनिज्म के लिए। ही वॉज ओवर एम्बिशियस एंड बिलीव इन द वर्ल्ड लीडरशिप। ओवर एम्बिशियस यानी कि बहुत ही महत्वाकांक्षी, यानी कि जरूरत से ज्यादा एम्बिशियस थे और बिलीव इन वर्ल्ड लीडरशिप, वो पूरा विश्व का लीडरशिप करने में विश्वास रखते थे। ही वॉन्टेड टू गेट थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू हिज विल। वो क्या चाहते थे कैसर विलियम? पूरा वर्ल्ड के लीडरशिप प्लस वो क्या चाहते थे? ही वांटेड टू गेट थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू हिज विल। वो अपने मन में जो बात आए, अपने जो इच्छा है उसके मुताबिक ही वो काम करना चाहते हैं, विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रैंड मिलिट्री पावर। किसकी मदद से? उनके पास एक बहुत बड़ी मिलिट्री सैन्य शक्ति थी, उनके हिसाब से, उनको लेकर, उनके भरोसे वो अपने मन में जो चीज आया वो चीज ही करना चाहते थे। हु? जर्मन चीफ कैसर विलियम। द फीलिंग ऑफ वॉर स्प्रेड अक्रॉस द अदर नेशंस। ये सब जब होता है तो अल्टीमेटली यूथ का जो फीलिंग है दूसरे नेशन में स्प्रेड हुआ था, एज इन जर्मनी एंड दिस हैड रिजल्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये भी एक कारण है आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। रोल ऑफ न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर ऑफ यूरोपियन नेशंस अराउज्ड सो मच ऑफ हेटेड अमंग द पीपल विद देयर नेचर डेरोगेटरी प्रोपेगेटेड एक्सटेंसिव एंड फॉल्स राइट ऑफ बाय द स्पिटिंग विनम अगेंस्ट द राइवल नेशंस। न्यूज़पेपर जब पब्लिश हुई थी, न्यूज़पेपर जब लोगों के पास पहुंचने लगा, अपने देश को ही, अपने नेशंस को ही अच्छा करना है, दूसरे नेशंस के खराब ही उनको पेपर में छाप कर देना है, ये सब अल्टीमेटली एक कारण हो गया था जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल लिए हुए थे। फिलोसफी अबाउट वार। द पॉलिसी ऑफ वार इज वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप। यूरोप में युद्ध ही सबके लिए मंगलदायी है, वार इज वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप में ये लिया था। द जर्मन राइटर
ट्रॉस्की पब्लिश मैक्सिम्स लाइक ओनली द माइटी डिजर्व टू लाइफ, जो शक्तिशाली है वो ही संसार में डिजर्व करता है रहने के लिए, एंड वार एलोन इज द नेशनल नीड, विश्व के शांति के लिए युद्ध की बहुत जरूरी है, नाइटिस थे द जर्मन राइटर, एक्सप्रेस ए वार एज ए स्क्रेड वर्क, के धर्म का काम है। द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वर असाइंड बाय बींग शॉट बाय ए मेंबर ऑफ साइबेरियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड एक साइबेरियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ उनको अपने ये अंडर ले लिए थे। ऑस्ट्रेलिया ब्लेम्ड साइबेरिया फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द एक्ट एंड गेव एन अल्टीमेटम टू हैंड ओवर द टू द कॉर्पोरेट टू द ऑस्ट्रिया विद इन 48 आवर्स। ऑस्ट्रिया को 48 आवर्स के अंदर ये ब्लैक हैंड जो ऑर्गेनाइजेशन था इनको हैंड ओवर करने के लिए बोला गया था। साइबेरिया डिक्लेयर इट्स इग्नोरेंस इन दिस मैटर विदाउट लिसनिंग एनीथिंग फ्रॉम साइबेरिया। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया को जो 48 के अंदर इनको कॉर्पोरेट को देना था, पर साइबेरिया डिक्लेयर एन इग्नोरेंस, उन्होंने ऑस्ट्रिया जो बोला था उस चीज को इग्नोरेंस में सुना ही नहीं। ऑस्ट्रिया डिक्लेयर ए वार ऑन साइबेरिया, फिर ऑस्ट्रिया मजबूर होके जो अपना प्रिंस और उसका वाइफ को ले गए थे, जब साइबेरिया इस चीज को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इग्नोर किया था, इसके लिए ऑस्ट्रिया डिक्लेयर ए वार ऑन साइबेरिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, साइबेरिया के ऊपर युद्ध का घोषणा कर दिया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड बिगेन विद दिस, ये यहां से आपके फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गए थे। ओके स्टूडेंट्स, इन आवर थर्ड लेक्चर वी विल डिस्कस मोर। हैव ए गुड डे।